कुल सचिव पर दर्ज हुई FIR। जी हाँ, शिक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य से किए जा रहे खिलवाड़ के विरोध में आयु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव के ऊपर FIR दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर NSUI द्वारा किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें कि आयु विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के गोपनीय विभाग के उप कुल सचिव द्वारा टेबुलेशन रिपोर्ट बाहर किए जाने के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच में उप कुल सचिव डॉक्टर अजय मिश्रा दोषी पाए गए थे, लेकिन छात्र संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अजय मिश्रा को बचाया जा रहा है। आज NSUI के जिला महासचिव अंशु सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन कर कुलपति महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के तत्काल उप कुल सचिव अजय मिश्रा को विश्वविद्यालय से निकालने की एवं उन पर FIR दर्ज करने की मांग के साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर विश्वविद्यालय के द्वारा उप कुल सचिव अजय मिश्रा पर FIR दर्ज नहीं कराई जाती है तो संगठन स्वयं उन पर FIR दर्ज कराएगी। आज हमने विगत 28 जनवरी को माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की थी कि परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में कार्य कर रहे उप कुल सचिव अजय मिश्रा के द्वारा एक कॉलेज की टेबुलेशन रिपोर्ट जो कि रिजल्ट की प्रति होती है बिना परीक्षा समिति और रिजल्ट समिति के साइन के एक कॉलेज विशेष को दे दिए गए, कॉलेज के प्राचार्य को दे दिए गए, जिसमें कुलपति के द्वारा जांच समिति गठित की गई थी एवं हमें ये ज्ञात हुआ है कि जांच समिति में दोषी पाए गए हैं। स्वयं कुलपति महोदय ने मुझे इसी बताई थी कि वो जांच समिति में दोषी पाए गए हैं अथवा हम उन्हें ऑफिस अटैच कर रहे हैं, पर हमारा कहना यही है कि अगर चोर चोरी करने के बाद भी घर पर ही नीचे रहेगा तो चोरी तो होगी, तो हमारा ये कहना है कि उप कुल सचिव महोदय अजय मिश्रा को यहाँ से निष्कासित कर उनके ऊपर FIR कराई जाए, अन्यथा NSUI संगठन क्रमबद्ध तरीके से रोज आंदोलन करेगी और आने वाले 5 दिनों के भीतर उप कुल सचिव महोदय एवं कुलपति महोदय का काला चेहरा करके यहां से घुमाएगी शहर में। अंशुल सिंह राजपूत, जिला महासचिव NSUI। ज्ञापन हुआ है NSUI के द्वारा जी, वो एक एग्जाम जो हुआ था UMS का, उसमें जो जांच बिठाई थी जो दोषी पाए गए उनको एग्जाम से हटा दिया गया है और उसी के बारे में बताया गया। अजय मिश्रा पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, छात्र संगठनों की मांग है, तो उनको ऑफिस अटैच करने की फॉर्मेलिटी क्यों की जा रही है, उनको डिपार्टमेंट से पृथक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये नहीं, वो डेपुटेशन में तो उसकी प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए वो लिखेंगे, शासन को लिखेंगे। एक सिस्टम होता है कि करप्शन, अभी थोड़ा उसकी जांच पूरी भी नहीं हुई है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे खुद भी पूछ रहे हैं कि क्या है। कब तक जांच पूरी होने की संभावना? एक दो रोज में हो जाएगी।